कोरोना के डर से इस खाकी वाले ने छोड़ा घर, जाने पूरा मामला। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। कोरोना वायरस से बचने का सबसे कारगर तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे में सिंगरौली जिले के मोरवा थाने में पदस्थ एक खाकी वाले ने अपना घर परिवार छोड़कर घर के पास रहने के लिए अलग से आशियाना बना लिया है। दरअसल इनका नाम अजीत सिंह है और ये मोरवा थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत है। प्रधान आरक्षक अजीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसी कारण उन्होंने एकांत में रहने का मन बना लिया है। आमजन को महामारी से बचाने के लिए ड्यूटी में 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहे प्रधान आरक्षक अजीत सिंह ने कहा कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अलग आशियाना बनाया है। एसपीटी के विद्यार्थी के निर्देशन में पुलिसकर्मी भी महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करते दिख रहे हैं। वहीं प्रधान आरक्षक सिंह ने बताया कि खाने पीने से लेकर अन्य दैनिक क्रियाओं में भी बदलाव किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से घर नहीं गया, ना ही परिवार से मिला। सोशल डिस्टेंसिंग से सभी कार्य करते हैं, साथ ही इस जंग में उनकी पत्नी और बच्चे भी शामिल है जिनका पूरा सहयोग मिल रहा है सिंह को। तब से बीमारी कारण देखते हुए हमने अपना अलग व्यवस्था की है। अलग से रहने के लिए घर में प्रवेश करने से दिक्कत हो सकती है परिवार को, इसलिए हमने अलग से बस कमरा ही तैयार करवा करके रह रहा हूँ। फिर भी आपके आम जीवन की अपेक्षा इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी आ रही होंगी, क्योंकि घर एक ही तरह से रास्ता है। आपने आपको कैसे समझ में आया कि नहीं मुझे इसी को ही अलग बना लेना चाहिए अपनी व्यवस्था? क्योंकि घर के बाहर इस तरह का कंस्ट्रक्शन था, थोड़ा सा बनाया जा सकता था और परेशानी तो होती है, लेकिन देश के लिए वो वन विभाग के लिए तो इतना बार करना पड़ता है। कैसे दिनचर्या रहती है आपके? दिन भर में आप कैसे क्या आते हैं, कैसे ड्यूटी में रहते हैं और फिर घर में बच्चों से मिल नहीं पाते हैं, क्या सारा कुछ कैसे दिनचर्या रहता है? सुबह उठने के बाद बाहर ही नहा धो लेता गर्म पानी में। इसके बाद सुबह 9 बजे मैं थाने चला गया। लगभग 2:30-3 बजे तक मैं ड्यूटी में रहता हूँ, जिसके बाद खाने के लिए 10 मिनट के लिए आता हूँ। फिर इसके बाद मैं तत्काल खाने चला जाता हूँ। रात को करीबन 10-11 बजे वापस आता हूँ। तो सोना आपका यहीं होता है? सोने का और रहने का मेरा खाने का। बच्चों से आप लोग आप कब से नहीं मिल पाए हैं? बच्चों से सामने तो दूर से देखने के लिए भी है, लेकिन मिलने के लिए 25 दिन। घर के अंदर कब से आपका प्रवेश नहीं हुआ है?